हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक पनीर मसाला। बहुत आसानी से, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे रोटी के साथ, आप पूरी के साथ, या फिर आप चावल के साथ, जैसे मर्जी खाएँ, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी रेसिपीज़ देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम मसाले। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, 8-10 लहसुन की कलियाँ बारीक कट कर ली हैं और ये हरी मिर्च ले ली हैं 2। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज को मैंने पीस लिया है और गार्लिक को, और ये जो है अदरक, इसको मैंने ऐसे ही रखा है बारीक कट करके। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी सब्ज़ी में। 200 ग्राम पनीर लिया है, तो अपने हिसाब से पनीर आप ले लें। क्यूब्स आप अपने हिसाब से कट कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटी रखें इन्हें, बहुत पतला ना करें, बहुत छोटा ना करें। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून घी। तो यहाँ अभी हम बटर भी यूज करेंगे, पर जब भी आप पनीर बनाएं कोशिश करें उसे आप देसी घी में बनाएं तो बहुत ही बढ़िया बनता है वो। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 5-7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 तेज पत्ते और 2 हरी इलायची। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने लहसुन कट किया था वो, और फिर उसमें डाल देंगे जो हमने अदरक कट की थी। तो लहसुन और अदरक को बारीक कट करना है, पीसना नहीं है यहाँ पर हमें। तो अब मैं ले रही हूँ ये प्याज जो हमने पीसा था और इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं आप। प्याज को बहुत जल्दी भूनना है तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दें आप, थोड़ा सा डालना है क्योंकि अभी सब्जी वाला नमक हम और डालेंगे। तो इसको अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इस तरीके से प्याज अच्छे से भून जाना चाहिए आपका, तभी ग्रेवी परफेक्ट बनती है। और अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, और इसको अब अच्छे से भून लेंगे। तो पहले गैस को हाई फ्लेम पे रखें, जैसे जैसे टमाटर भुनने शुरू हो जाएं फ्लेम को मीडियम कर लें। अब इसमें मसाले डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मसाले डालने के बाद फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें और अच्छे से मसालों को भूनें, मसालों को हाई फ्लेम पर ना भूनें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मलाई। यहाँ पे अगर आपके पास काजू अवेलेबल हैं तो 8-10 काजू पीस के डाल सकते हैं, और नहीं है तो थोड़े से मूंगफली के दाने 2 चम्मच डाल सकते हैं पीस के। कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे मलाई ऐड कर दें 2 चम्मच, आपकी ग्रेवी बहुत बढ़िया तैयार होगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, 100 ml पानी मैंने ऐड किया है। इस तरीके से ग्रेवी गाढ़ी ही रहती है गार्लिक बटर पनीर मसाले की। तो अब इसको लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, कुक होने देंगे 2-3 मिनट तक। तब तक यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक पैन, और उसमें ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून ले रही हूँ बटर, और 8-10 कलियाँ ली हैं लहसुन की जिसको बारीक कट कर लिया है वो डाल दिया है। बिल्कुल फ्लेम को लो रखा है मैंने यहाँ पे, और अच्छे से इसे अब हम रोस्ट करेंगे इसमें। तो इससे आपके पनीर में बटर और गार्लिक का जो फ्लेवर है बहुत उभर के आता है। इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम से 2-3 मिनट इस तरीके से उलट पलट के कुक करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको रोस्ट नहीं करना है, वरना ये जलेगा, आपका बटर भी जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरीके से इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इससे आपका बटर पनीर मसाला जब तैयार होता है तो उसमें गार्लिक बटर का बहुत ही उभर के फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो इसको इस तरीके से हम रोस्ट करेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल अलग और बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो इस तरीके से ज़रूर करें फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताएं, अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट्स करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर दें ताकि वो भी देखें और घर पर बटर गार्लिक पनीर मसाला तैयार करें। अब ग्रेवी आप चाहें तो ग्रेवी में पनीर डाल दें, पनीर में ग्रेवी डाल दें, लेकिन अगर पनीर में ग्रेवी डालते हैं तो ये जो बटर है और गार्लिक है इसका फ्लेवर बहुत उभर के आता है। और फिर इसको हम अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसे हम ढक देंगे, लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया मसालों का फ्लेवर उभर के आ सके और हमारा
जो बटर गार्लिक पनीर मसाला है वो अच्छे से कुक हो सके। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने तैयार किया है। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किया है जो आपके घर पे अवेलेबल ना हो, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब आती है बारी गार्निश करने की, तो और टेक्सचर तो आपने इसका देख लिया है, चलो गार्निश करते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया से गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारा बटर गार्लिक पनीर मसाला तैयार है। इसको आप मेहमान आए तब बनाएं, छुट्टी के दिन बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मलाई और इसे गार्निश कर देंगे, हल्का सा मिक्स कर देंगे। टेक्सचर आप देख सकते हैं, ग्रेवी पनीर परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।